प्रशिक्षण के द्वितीय दिन दिनांक 23-3-2023 का आरंभ प्रार्थना व राष्ट्रगान के साथ हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में संदर्भ दाता श्री जितेंद्र राज जी ने बताया कि भाषा कौशल विकास क्रम में अब सुनना बोलना पढ़ना व लिखना के साथ साथ अब व्याकरण और रचनात्मक कौशल को भी शामिल किया गया है। पढ़ने में आने वाली कठिनाई शब्द की पहचान व भाषाई समझ पर चर्चा हुई। डिकोडिंग, ग्रैंडिंग, शिक्षक संरचिका, कार्ड पुस्तिका व कार्ड पत्रक के विषय में विस्तार से बताया गया, जिनका प्रयोग हमें अपने 50 दिन के उपचारात्मक शिक्षण में विद्यालयों में करना है। पठन कौशल के चरण अनुकूल वातावरण, लोगोग्राफिक, डिकोडिंग, प्रारंभिक मध्यवर्ती समझ के साथ पठन, धारा प्रवाह प्रमुख पठन के विषयों का समझाया गया। लिपिक प्रतीकों के समझ के साथ लिखना ही लेखन कौशल है। बुनियादी एवं उच्च स्तरीय लेखन के विषय पर चर्चा हुई। कलम पकड़ने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका, शिरोरेखा व वर्णों को सही क्रम से लिखने का तरीका भी बताया गया। अनुलेख, श्रुतिलेख, दुकान शब्द, निबंध लेखन, मुहावरे, मुखाक्ति, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, एकांकी, यात्रा प्रदान पत्र, व्यंग आदि विषयों पर भी चर्चा हुई। संदर्भ दाता श्री भूरीलाल दिवाकर जी ने विभिन्न प्रकार की ध्वनि का परिचय, CLM, डमरू, बोतल, घुंघरू, मजीरा आदि कराकर मुख्य ध्वनि विषय से जोड़ा। खेल खेल में शिक्षा को जादू के माध्यम से हिंदी भाषा में बिंदी के महत्व को समझाया। अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग के जादू के द्वारा प्रस्तुत कर विषय को रुचिकर बनाकर कक्षा के वातावरण को सजीव कर दिया। धन्यवाद।